महाराष्ट्र की राजनीति में जहां बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ चुका है, खासकर उस समय से जब से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये कहा था कि जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के यानी कि अनिल देशमुख, वो एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं और उन्होंने कोई बिना चेन ऑफ कमांड फॉलो किए उन्होंने सचिन वाजे और कुछ अफसरों को ये बोला कि हर महीने 100 करोड़ रुपए बार्स और होटल से यानी कि पब से इसकी उगाही की जाए। जब से ये लेटर पब्लिक डोमेन में आया है तब से लेकर बार बार अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर विपक्ष काफी हमला बोल रहा है, लेकिन आज जो सोमवार का दिन था वो बहुत ही नाटकीय घटनाक्रमों से भरा हुआ था। शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं, आज उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो भी आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सचिन वाजे से मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि उनको कोरोना हुआ था, इसलिए सचिन वाजे से मिलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब आपको बता दें कि आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक एक दिन बाद की जब कल खुद एक बैठक में शरद पवार ने ये कहा था कि जो अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। तो सबने ये अटकलें लगाई कि शायद अनिल देशमुख को लेकर उनको शायद गृहमंत्री के पद से हटाया जाएगा, लेकिन आज शरद पवार ऐसा लग रहा था कि गृहमंत्री को बचाने में लग गए हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरे दस्तावेज के साथ सामने आए थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास हॉस्पिटल के पेपर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अनिल देशमुख कोरोना संक्रमित थे, वो नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और साथ में 16 से 27 फरवरी तक वो होम आइसोलेशन में थे, इसलिए उनका सचिन वाजे से मिलना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बात शरद पवार ने कही और उन्होंने कहा कि ये जो सारी सूचना है इसके बारे में वो उद्धव ठाकरे को देंगे और ये अब उद्धव ठाकरे का काम है कि वो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। और क्योंकि बार बार विपक्ष अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहा था तो उस चीज को उन्होंने काउंटर करते हुए आज कहा कि अनिल देशमुख रिजाइन नहीं करेंगे और उनको शरद पवार बचाने में लग गए हैं। लेकिन ये नाटकीय इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शरद पवार, उसी समय बीजेपी की आईटी सेल के जो हेड है अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया। और क्या ट्वीट किया? उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कि 15 फरवरी की को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए ये 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिससे कि अनिल देशमुख झूठे साबित होते हैं और जो शरद पवार का दावा है वो भी झूठा साबित होता है, उन्होंने एक ट्वीट में लिखा। तो इसको लेकर बीजेपी और शरद पवार बिल्कुल आमने सामने इस समय आ गए हैं और बार बार आज संसद में भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जैसे प्रकाश जावड़ेकर, पूनम महाजन और भी बहुत सारे लोग, इन्होंने काफी देर तक सदन में हंगामा मचाया, उनके इस्तीफे की मांग की और बार इसको लेकर बल्कि सदन की जो कार्रवाई थी वो 2 बजे तक स्थगित भी रही। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट है वो शिवसेना की तरफ से आया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में ये लिखा है कि जिस परमवीर सिंह को लेकर बीजेपी उसे हटाने की मांग कर रही थी और बार बार ये कह रही थी कि परमवीर सिंह के जो काम करने का स्टाइल है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो जब से परमवीर सिंह का ये जो लेटर है पब्लिक डोमेन में आया है उनको बीजेपी ऐसा लग रहा है कि कंधे पे उठाकर नाचने की कोशिश कर रही है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो पूरी एक साजिश के तहत ऐसा लग रहा है काम किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि वहां की जो महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के बुनियाद वहां पर बनाई जा रही है। और लेकिन साथ में एक चेतावनी के रूप में उसमें इस मुखपत्र सामना में ये बात लिखी गई है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बहुमत में है और बहुमत पर हावी नहीं होना चाहिए, अगर बहुमत में कोई पर कोई हावी होगा तो फिर
इससे आग ही लगेगी। और जो लास्ट लाइन में ये लिखा है कि किसी भी एक अफसर की वजह से सरकारें बनती या गिरती नहीं है, यानी कि एक खुली चेतावनी शिवसेना ने बीजेपी को दी है, क्योंकि बार बार इसको लेकर एलिगेशंस लेवल किए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से कहा था, तो उसको लेकर शिवसेना ये कह रही है कि ये एक पूरी साजिश है। और कैसे, क्योंकि दो दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने आए थे। उसके ठीक दो दिन बाद परमवीर सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं उद्धव ठाकरे को, और वो फिर उसको मीडिया में और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो उन्होंने बताया है कि ये पूरी तरह से एक साजिश है। तो कुल मिलाकर इस एपिसोड से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बहुत गर्म हो गई है। एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से किसी न किसी बिना पर राष्ट्रपति शासन लगे। और जो एक बहुत संगीन चीज है कि जो पुलिस पॉलिटिक्स और जो पेट्रनेज की जो पूरा एक घालमेल है कि किस तरह से पुलिस राजनीति और किस तरीके से जो आपको फेवर्स मिलते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर से, तो ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और परमवीर सिंह को हटाकर उनको डीजीपी होमगार्ड्स बना दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल साफ नजर आता है, क्योंकि ये वही परमवीर सिंह थे जो कि अभी तक शिवसेना की नजर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सुशांत राजपूत के केस को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, कंगना रनौत के केस को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया, लेकिन जब सचिन वाजे का जब मामला आया, खासकर जो एंटीलिया विस्फोट केस में, तो उनकी जो छवि थी वहां पर ऐसा लग रहा था कि तार तार हो गई है, और उसको लेकर एकदम से अचानक से ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी कि किस तरीके से अनिल देशमुख एक एक्सट्रॉशन रैकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चुनिंदा अफसरों से, और जो लाइन ऑफ कमांड है वो नहीं मानते हैं, वो डायरेक्टली इंटरफियर कर रहे हैं, ये तमाम आरोपों के बाद अब एक बार फिर से ये चीजें सामने आ गई हैं कि राजनीति और पुलिस का जो घालमेल है किस तरीके से एक चोली दामन का साथ है, और उसमें कैसे लोगों को प्यादा बनाया जाता है उसको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसको क्या बीजेपी डिस्टेबलाइज करने में कामयाब रहेगी, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, और ये जो पूरी राजनीति है इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, और पूरे पुलिस महकमे पर, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को लेकर भी काफी, महाराष्ट्र का जो गृह मंत्रालय है अगर उसकी छवि तार तार हुई है, तो कहीं ना कहीं आज पुलिस की जो छवि है वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी एक गिरोह की तरह काम करता है जो कि पैसे की उगाही में लगा हुआ है। अगर अनिल देशमुख के बारे में ये कहा गया है कि वो 100 करोड़ का एक एक्सट्रॉशन रैकेट, कहते थे कि वो 100 करोड़ रुपए पब्स और रेस्टोरेंट से पुलिस वाले लेकर आए, तो आज सवाल ये उठता है कि कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार ये बातें सामने आ गई हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में, और वो भी एक पुलिस कमिश्नर रैंक का अगर एक ऑफिसर लिखता है, तो ये काफी संगीन आरोप है, और इसमें पुलिस को भी एक गहन मंथन करना पड़ेगा कि ये इस तरीके की चीजों से पुलिस की छवि ना खराब हो, तो इसको लेकर भी काफी सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आज उन्होंने जब गंभीर आरोप लगाए गृहमंत्री अनिल देशमुख के ऊपर कि वो किस तरीके से उन्होंने एक्सट्रॉशन रैकेट चलाया हुआ था, तो अब आज वो एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और उस याचिका में, यानी कि जो उन्होंने अर्जी लगाई है, उसमें उन्होंने अपने ट्रांसफर को चुनौती दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पद से उनको हटाकर अब डीजी होमगार्ड्स कर दिया गया है, तो उस ट्रांसफर को लेकर उन्होंने चुनौती दी है अपनी याचिका में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि देशमुख के घर के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगा है उसकी भी जांच हो और उसको बचाकर रखा जाए इसके पहले कि उसके सबूत मिटा दिए जाएं। अब
जो बार बार परमवीर सिंह का जो जिन्हें जो दावा किया था कि देशमुख चाहते थे कि सचिन बाजे उनको हर महीने 100 करोड़ रुपए होटल्स और बार से दें, तो उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति में महाराष्ट्र के भूचाल आ चुका है। और साथ में उन्होंने याचिका में एक चीज और कही है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कि जो अनिल देशमुख समय समय पर जितनी भी जो जांच की प्रक्रिया होती थी यानी कि इन्वेस्टिगेशंस में इंटरफेयर करते थे और ऑफिसर्स को डायरेक्टली चीजें बताते थे जबकि ये चीजें पुलिस कमिश्नर को कहनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अनिल देशमुख उन चुनिंदा अफसरों को लाइन ऑफ जो चेन ऑफ कमांड था उसको तोड़कर और डायरेक्टली ऑर्डर्स देते थे ताकि एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम किया जाए। इस बात का मेंशन परमवीर सिंह ने इस याचिका में किया है। और अब आज जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने जो पूरी परमवीर सिंह की जो मंशा है जिससे उन्होंने चिट्ठी लिखी और किस तरीके से बातें सामने आई हैं उस पर भी आज सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन साथ में उस याचिका में एक बात और मेंशन है कि सचिन बाजे से तो अनिल देशमुख ने कहा ही था, साथ में एक और मीटिंग का भी जिक्र किया है और वो मीटिंग है मार्च 4 की जब उन्होंने कुछ और ऑफिसर से कुछ यही बातें कही थी कि किस तरीके से 100 करोड़ की जो उगाही है वो पब्स और रेस्टोरेंट से की जाए। और साथ में उस याचिका में परमवीर सिंह ने भी कहा है कि ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसको कैंसिल किया जाए और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था ये बिल्कुल इलीगल था, आर्बिट्ररी था और उल्लंघन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का। और साथ में उन्होंने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई कोअर्सिव एक्शन ना लिया जाए यानी कि कोई ऐसा दंडनीय एक्शन उनके खिलाफ ना लिया जाए। तो ये सारी बातें उस याचिका में परमवीर सिंह ने लिखी हैं। और इससे अब परमवीर सिंह ने तो एक पूरा एक नया फ्रंट खोल दिया है और ये वही परमवीर सिंह हैं जब उन्होंने अर्नब गोस्वामी के केस की जांच शुरू की थी या टीआरपी के केस की जब जांच शुरू की थी तो बीजेपी उनको उनकी बहुत आलोचना करती थी। लेकिन आज जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब उसी परमवीर सिंह को अपने आंखों पर बैठाकर रखना चाहती है। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या परमवीर सिंह अब एक महाराष्ट्र का नया प्यादा बन के उभरेंगे, किस तरीके से टैकल करेगी उद्धव ठाकरे की सरकार ये जो क्राइसिस पूरी आई है, किस तरीके से हमने देखा कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, टीआरपी केस आया, सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, फिर एंटीलिया विस्फोटक केस के बारे में चीजों का खुलासा हुआ, हिरेन मनसुख की हत्या या आत्महत्या का केस है जिसकी अभी जांच चल रही है, एनआईए के हाथ में पूरा ये केस आ चुका है। तो अलग अलग केसेस को डेवलप किया गया है, बनाया गया है, किस तरीके से जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है। और बार बार जो ये ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि नए नए प्यादे तैयार किए जा रहे हैं तो उसी श्रृंखला में अब परमवीर सिंह एक नया प्यादा बनकर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और क्या एक अफसर जो परमवीर सिंह जैसा अफसर है क्या वो महाराष्ट्र की सरकार, क्या उसके बल पर क्या बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार गिरा पाएगी या नहीं गिरा पाएगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस समय काफी रोचक हो चुकी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।